वैसलीन में ये चीज इस तरह मिलाकर लगाएं कि घुंघराले बाल 10 मिनट में स्ट्रेट होकर सीधे शाइनी व स्मूथ हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, शादी हो, त्योहार हो या कोई फंक्शन हो, अगर बात सुंदर बालों की हो तो हर कोई पार्लर जाकर उन्हें स्ट्रेट कराना पसंद करता है। लेकिन आज मैं आपको घर पर ही रूखे सूखे घुंघराले बालों को वैसलीन से स्ट्रेट करना बताऊंगी, जिससे ना सिर्फ आपके बाल स्ट्रेट होंगे बल्कि सिल्की शाइनी एंड स्मूथ होकर इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आप अपने बालों का कोई भी हेयर स्टाइल बनाकर शादी पार्टी में सबसे सुंदर लग सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं रूखे सूखे घुंघराले बालों को स्ट्रेट कर शाइनी और खूबसूरत बनाना, तो इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, रूखे सूखे घुंघराले बालों को स्ट्रेट कर शाइनी और सुंदर बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है 1 चम्मच वैसलीन। फ्रेंड्स, वैसलीन का इस्तेमाल वैसे तो ड्राई स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ वैसलीन का इस्तेमाल बालों को स्ट्रेट, शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वैसलीन में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो रूखे सूखे घुंघराले बालों को रिपेयर करके स्ट्रेट और शाइनी बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, आपको इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 से 3 चम्मच आंवला ऑयल डालकर इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आंवला ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आंवला ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल सर्दियों में जम जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी आंवला ऑयल ही यूज करें। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसमें जो लास्ट चीज़ ऐड करनी है वो है मिल्क क्रीम, यानी दूध की मलाई। तो दूध की मलाई आपको इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड करनी है। तो फाइनली अब आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में यूज किए गए सभी इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं, जो बालों को स्ट्रेट शाइनी बनाने के साथ साथ हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपको इसे नहाने से 1 घंटा पहले स्कैल्प से लेकर लेंथ तक अपने सारे बालों में अप्लाई करना है और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद जब ये पेस्ट आपके बालों में अच्छे से सूख जाए तो आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस रेमेडी से आपके बालों को भरपूर नरिशमेंट मिलता है, जिससे एक ही बार में आपके बाल स्ट्रेट होकर सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। लेकिन इससे भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर यूज करें। एंड जब भी आप वीक में दूसरे तीसरे दिन नहाने जाएं, तो नहाने से 1 घंटा पहले इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें। आपके बाल स्ट्रेट, सिल्की, शाइनी और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आई होप गर्ल्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।